दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से शनिवार रात एक मनहूस खबर आई। ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर गया। बेसमेंट में कई छात्र फंस गए, जिसमें से तीन छात्रों की मौत हो गई। मरने वाले तीनों मृतक छात्रों की पहचान हो गई है, जिसमें से एक छात्रा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर की रहने वाली थी। 25 साल की श्रेया यादव ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। मिली जानकारी के मुताबिक श्रेया ने जून या जुलाई में कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। उसका घर यूपी के अम्बेडकर नगर जिले के बरसावा हसीमपुर में था, जबकि दूसरी छात्रा तानिया सोनी की भी पानी में डूबने से मौत हो गई। उसकी उम्र भी 25 साल बताई जा रही है। श्रेया और तानिया के अलावा तीसरे छात्र की पहचान नेविन डाल्विन के रूप में हुई है। डाल्विन केरल का रहने वाला था, जिसकी उम्र महज 28 साल थी। नेविन बीते 8 महीनों से तैयारी कर रहा था। वो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था और दिल्ली में डाल्विन पटेल नगर में रह रहा था। फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के मुताबिक घटना के वक्त 30 छात्र मौजूद थे, जिसमें से तीन फंस गए थे। फिलहाल आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने भी मामले में एक्शन लेते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया है। इधर जांच के बीच कोचिंग सेंटर हादसे पर जबरदस्त सियासत हो रही है। बीजेपी बोली, ये मौत नहीं हत्या है। वहीं आपने पलटवार करते हुए पूछा कि 15 साल एमसीडी में बीजेपी ने क्या किया।